आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कन्नौज शहर के हाजी गंग के अंतर्गत मोहल्ला सुल्तानपुर में मंगलवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों ने मोहल्ले के ही दो युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि एक दिन पूर्व मोहल्ले के भी बाबू व साकिब मृतक कैफ को अपने साथ लेकर गए थे, लेकिन कैफ वापस घर नहीं लौटा, जिस पर परिजनों ने उक्त लोगों से जानकारी की, जिस पर उन्होंने कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया। इसके बाद परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस युवक की खोजबीन में जुटी। वहीं मंगलवार की सुबह मोहल्ले के पास ही युवक का शव पड़ा मिला। युवक का शव मिलने से परिजनों में चीख पुकार मच गई। वहीं परिजनों ने मोहल्ले के ही बाबू व शाकिब पर कैफ की हत्या करने का आरोप लगाया। परिजनों ने बताया कि कैफ की गोली मारकर उक्त लोगों ने हत्या की है। उधर मामले की भनक लगते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया। परिजनों की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। कन्नौज से सीबू सैनी की रिपोर्ट। यहाँ पे आपके घर के बाहर काफी भीड़ लगी हुई, क्या जानकारी मिली है आपको? हमको जानकारी ये मिली है, कल हमारा भतीजा 4 बजे से यहाँ से गायब है। शाम में मगरिब बाद तक यहाँ रहा। कुछ दो लड़के जिसमें कि एक है बाबू नाम का और एक है क्या नाम है साकिब, वो बुला के ले गए। अब कहाँ ले गए हमको नहीं पता। बाद में आया भी समझाया, भैया घर में बैठो, फिर भी वो कट्टा लगाया हुआ था, हमको पता नहीं था, 2 दिन हो गए थे। अब कल पता चला है कि भैया मिला नहीं, रात का 8:30 बजा कि बोली अम्मा कि 9-8 बजे तो घर आ जाता है, आज तो वो आया नहीं। तो फिर उसको ढूंढने के लिए सब लोग निकले, कहीं वो मिला नहीं। और जो लड़के लेके गए थे उनके घर गए, वो रजाई ओढ़े डर में लेटे थे। उन्होंने से पूछा कि बात बताओ कहाँ छोड़ के उसके आए हो, तो हम लोग ढूंढ ले जाकर, बोले हमको नहीं पता, वहाँ पुलिया पे छोड़ दिया। जब पुलिया पे देखे वो उनके यहाँ गए, वो बोल रहे पुलिया पे छोड़ दिया। आखिर गया तो कहाँ गया, रात में फिर यहाँ चौकी पे गए, वहाँ इत्तला दी, उसके बाद में पुलिस आई, जानकारी ली, उसके बाद में फिर क्या बोलते हैं वहाँ बैठे कुछ लोग, वो लोग बोले कि तुमको हम कुछ भी नहीं करेंगे, तुम खाली बयान दे दो कि उसको छोड़ के कहाँ। तो उसने डर के मारे कबूल दिया कि चलो हम तुम्हें ले के चलें। फिर वो ले के गया जहाँ उसको मार के डाला था, इसको वहाँ पर गोली मार दी है। तो क्या देखा जाए, कहीं ना कहीं पुरानी कोई रंजिश निकल के आ रही सामने। जी रंजीत है इसमें पुरानी, पर ये नहीं पता था कि मतलब अब दोस्त बन गए कि दुश्मन भी हो जाएंगे, किसी को नहीं पता था। तो जिन लोगों ने गोली मारी ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हैं, रिश्तेदार हैं। क्या मोहल्ले का नाम है? हाजीगंज सुल्तान पीर। अच्छा, जिसकी गोली लगी वो बच्चे क्या नाम है? कैफ। वो निवासी कहाँ से है? वो यहीं से है, वो भी हाजीगंज सुल्तान पीर से। पिता का क्या नाम है उनके? यासीन। तो इसके मामले को लेकर आपने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस आई थी? पुलिस आई, उनको लेके गई, वहाँ पूछताछ की, उन्होंने कोई मतलब गवाही नहीं दी। मतलब कुछ आदमी बाहर बैठे थे, उनको उन्होंने बताया कि चलो हम तुम्हें बता रहे वो कहाँ आए, जहाँ वो लोग मार के डाल के आए थे वहाँ लेके गए उनको। तो इस मामले लेकर अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? जी एक पकड़ चुका है, उसमें एक भाग चुका है जिसका नाम है साकिब, पूरी फैमिली भाग गई है, ताला पड़ा है उनके घर। थैंक यू। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।